हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज मैं बूंदी के लड्डू बनाने जा रही हूँ, जो किसी पर्व या त्योहार पर बनाए जा सकते हैं। बूंदी के लड्डू बनाने के लिए हमने 300 ग्राम बेसन और 500 ग्राम चीनी ली है और एक फूड कलर लिया है। अब मैं बेसन का घोल तैयार कर लेती हूँ। बूंदी बनाने के लिए बेसन का घोल हमें ज्यादा पतला नहीं करना है, ना ज्यादा गाढ़ा ही रखना है। बेसन के घोल को 4-5 मिनट तक इसी तरह से फेंट लेंगे। बेसन के घोल में मैं थोड़ा सा फूड कलर डाल देती हूँ। बेसन को मैंने 4-5 मिनट तक फेंट लिया है और अब मैं इसे 10 मिनट के लिए रख देती हूँ। तब तक मैं चाशनी बना लेती हूँ। चीनी मेरी 500 ग्राम है और मैंने इसमें 250 ग्राम पानी डाल दिया है। पानी हमें चीनी का आधा ही डालना है। चीनी घुलने तक मैं गैस को मीडियम ही रखूंगी। चीनी घुल गई है और अब मैं गैस तेज कर देती हूँ और एक तार की चाशनी बना लेती हूँ। ये देखिए, चाशनी मेरी एक तार की बन गई है और अब मैं गैस बंद कर देती हूँ। बूंदी फ्राई करने के लिए मैंने रिफाइंड तेल लिया है। अब मैं बूंदी बना लेती हूँ। और झन्नी को हम इस तरह पीछे से साफ कर ही दोबारा छानेंगे बूंदी, ताकि बूंदी हमारी एकदम गोल गोल बने। ये देखिए, बूंदी हमारी कितनी अच्छी और गोल गोल बनी है। बूंदी मैंने बना ली है और चाशनी मेरी गरम है। अब मैं इसमें बूंदी डाल देती हूँ। बेसन की बूंदी में मैंने थोड़ा सा नारियल का बुरादा मिला लिया है
इससे बूंदी के लड्डू और भी स्वादिष्ट बनते हैं। और अच्छे से बूंदी में मिला लेती हूँ। अब मैं लड्डू बना लेती हूँ। ये देखिए बूंदी के लड्डू मेरे बन गए हैं। यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।